Start with the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are in the best of your health. Today is 18th of September 2020 and today is Friday. First of all, goodbye to all of you. It's your science lecture. Dear students, आज के दिन आपका जो लर्निंग मटेरियल जो कि राउंड डायरी में मैंशन किया गया है वो आपका साइंस का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीट मैंशन है और चैप्टर नंबर 5 जो है वो भी कम्प्लीटली मैंशनड है. यानी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपने कम्प्लीट करने हैं. इसमें सारे के सारे आपने MCQs करने हैं, तमाम शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और ये दोनों चैप्टर जो है बेसिकली फर्स्ट टर्म से हैं. तो फर्स्ट टर्म के नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स. तो आपने ये तमाम के तमाम अच्छी तरह से याद करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर नंबर 1 पे जाते हैं. चैप्टर नंबर 1 में मैंने जैसा कि आपको कहा कि चैप्टर नंबर 1 के तमाम MCQs आपने लर्न करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करने हैं. चैप्टर नंबर 1 के बेसिकली 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स और फंक्शनिंग बतानी है माइक्रोस्कोप की, लाइट माइक्रोस्कोप की. ये वो माइक्रोस्कोप है हम जो बेसिकली स्कूल में यूज़ करते हैं. यानी कि स्कूल बेसिक एक स्कूल लेवल पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बीम माइक्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, वो हायर लेवल पे इस्तेमाल होती है. तो लाइट माइक्रोस्कोप के बेसिकली हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स और उनकी फंक्शनिंग बतानी है. सेकेंड वन क्वेश्चन जो है वो उसमें हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बताना है, उसकी डायग्राम जो है वो लेबर डायग्राम भी ड्रॉ करनी है. मैं आपको ये बताते चलूँ कि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायग्राम भी आपसे पूछी जाती है तो उसमें 5 मार्क्स की बेसिकली थ्योरी और 3 मार्क्स की डायग्राम होती है जिसमें लेबलिंग भी इंक्लूड होती है. तो उसकी ड्राइंग और लेबलिंग दोनों मिलके टोटल मार्क्स के बनते हैं 3. यानी कि 3 मार्क्स की डायग्राम और 5 मार्क्स की थ्योरी. तो इस किस्म के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपने लाजमी डायग्राम भी बनानी होती है. तो आपने डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, उसकी लेबलिंग की भी प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट वन है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. ये इन तमाम क्वेश्चन के आंसर जो है मैं आपको बुक से भी निशान लगा दिए गए हैं और इसके अलावा आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं. आप चाहे तो बुक से याद कर लें या फिर आप नोट्स से याद कर लें, इट्स अप टू यू. नेक्स्ट 4-1 क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो है हमारे पास राइट अबाउट द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट, के प्लांट के शूट सिस्टम के बारे में हमने इसमें बताना है. ये बेसिकली वो पार्ट है जो कि आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड होता है और उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो उसके बारे में हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है प्लांट के शूट सिस्टम के बारे में. नेक्स्ट वन जो फाइव लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से बेसिकली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं. इसमें हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशन पूछी गई हैं जिसमें सेल की डेफिनेशन है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म है. बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है. यानी कि डिफरेंट सेल्स जो है मिलकर जब आपस में वर्क टुगेदर करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. व्हेन अ ग्रुप ऑफ टिश्यू वर्क टुगेदर देन दे फॉर्म एन ऑर्गन, एंड व्हेन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर वर्क इन कोऑर्डिनेशन देन दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो ये पूरी एक तंजीम है जिंदगी की जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ भी कहते हैं. तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है. नेक्स्ट वन है, मैंने आपको बताया कि आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो कम्प्लीटली इंक्लूडेड है आपके फर्स्ट राउंड डायरी में. तो इसके भी बेसिकली तमाम के तमाम आपने MCQs याद करने हैं, तमाम शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं और सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करने हैं. लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिकली 5 हैं जो कि आपने याद करने हैं. इसमें फर्स्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन, इसके भी निशान आपको बुक से भी लगवा दिए गए हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं. तो आप नोट्स से भी इसे याद कर सकते हैं. फर्स्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें हमने रिलेट करने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेटल एलिमेंट्स की उनके इस्तेमाल के साथ. यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं, इस क्वेश्चन में हमने वो सब कुछ बताना है कि उनकी मेलेबिलिटी क्या होती है, उनकी सॉफ्ट किस तरह से होती हैं, उनको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. तो तमाम के तमाम जो क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके यूजेज जो है हमने इस क्वेश्चन में बताने हैं. नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड्स, के हमने कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से बनते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है और डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं किस रेशो के साथ कौन से एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो तब जाके वो कंपाउंड बनता है. तो सब कुछ हमने इस क्वेश्चन में बताना है. नेक्स्ट वन थर्ड वन जो हमारे पास पार्ट है उसमें हमारे पास 2 प्रोसेसेस पूछे गए हैं जिसमें हमने सब्लिमेशन के बारे में बताना है और डिस्टिलेशन के बारे में बताना है. यानी कि 2 डिफरेंट टेक्निक्स हैं. बेसिकली हमारे पास मैटर की जो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इन स्टेट्स को आपस में जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से अलग करने के लिए या गैस को लिक्विड से अलग करने के लिए हम बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं. तो ये 2 टेक्निक्स भी उन्हीं में से एक हैं, सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन. इसके बारे में ब्रीफली बताना है
और नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी उन्हीं टेक्निक में से एक है जिसमें हम सेपरेट करते हैं डिफरेंट डाइस को, डिफरेंट डाइस के कलर्स को, तो ये भी उन्हीं में से एक टेक्निक है। नेक्स्ट वन लास्ट वन जो है उसमें हमने डिफरेंट सिंबल्स बताने हैं एलिमेंट्स के, इनके एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट, हमारे पास 18 एलिमेंट्स जो हैं वो फिलहाल तक नॉन है न्यू पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 92 जो हैं वो नेचुरली फाउंडेड हैं जबकि बाकी वन बाकी जो हैं वो सिंथेसाइज्ड हैं। तो ये तमाम एलिमेंट्स के इनको स्पेसिफिक एक सिंबल से, एक साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो सिंबल्स हम इंग्लिश में भी लिखते हैं और वो लैटिन में भी लिखते हैं। तो इन तमाम एलिमेंट्स हमारे पास पोटाशियम, नाइट्रोजन, सोडियम, गोल्ड, मर्करी और सिल्वर गिवन है, इसके हमने सिंबल्स लिखने हैं। तो मैं आपको जो ये एक टॉपिक है पेपर क्रोमेटोग्राफी का, मैं आपको उसका शॉर्टली एक शॉर्ट वन नोट दे देती हूँ कि छोट बता देती हूँ कि इसमें करते क्या है हम। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये वो टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट कलर केमिकल्स को सेपरेट करते हैं, और इसमें ये होता क्या है, ये किस तरह से वर्क करती है, क्योंकि मिक्सचर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के वो ज़्यादा सोलबल होते हैं दूसरे से। अगर तो उनकी सोलबिलिटी इक्वल होगी तो हम उसको सेपरेट आउट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक कंपोनेंट ज़्यादा सोलबल हो दूसरे से। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसमें हमें बीकर रिक्वायर्ड है, उसमें मेडिसिन ड्रॉपर रिक्वायर्ड है, फिल्टर पेपर और सॉल्यूशन ऑफ अ डाई और इंक। अब प्रोसीजर क्या है कि हमने करना किस तरह से है, हमने फिल्टर पेपर को बीकर के ऊपर रख देना है, प्लेस कर देना है, हमने ड्रॉप ऑफ इंक जो है वो फिल्टर पेपर के मिड पे डालनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सून यू विल सी डिफरेंट बैंड्स ऑफ कलर, के हम डिफरेंट कलर्स के बैंड जो हैं हमें देखने को मिलेंगे फिल्टर पेपर पे। ईच बैंड शो द प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि हर बैंड जो है वो डिफरेंट जो है वो कलर शो करेगा सोल्यूशन पे। जब मैंने ये लेक्चर आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इसको इस तरह से भी, हम इसको सर्कुलर फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं, हम वर्टिकली फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं, यानी कि फिल्टर पेपर की स्ट्रिप भी लेकर हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हमको किस तरह से परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो दोनों तरह से हमें डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो बैंड देखने में नज़र आएंगे, जो जो कलर उस सॉल्यूशन में मौजूद होंगे। तो इस तरह से ये इस क्रोमेटो इस टेक्निक के थ्रू हम डिफरेंट डाइस के कलर्स को, उसके कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरह से दोनों चैप्टर्स याद करने हैं ताकि आपका राउंड बेहतरीन हो। सो हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।